जय हिंद दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा दोस्तों। पहले वनडे मुकाबले में मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, वहीं बाद में भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के प्रकच्छे ही उड़ा दिए। तो दोस्तों ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों विश्व कप की तैयारी के लिहाज से यह सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम है। स्टार खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भारत अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की कोशिश हालातों को साथ असमंजस बैठाने की होगी। भारत यह मैच जीतने पर वनडे रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में लोकेश राहुल भारत की कप्तानी कर रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव को इस मैच में आराम दिया गया है। राहुल ने कहा कि इस मैच में लक्ष्य का पीछा करना काफी आसान रहेगा, इसी वजह से उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों 4 रन की स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला विकेट गिर गया था। मिचेल मार्श 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। मोहम्मद शमी ने उन्हें स्लिप में सुमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया था। 3 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 9 रन था। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। भारतीय तेज गेंदबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे और लगातार दोनों को परेशान कर रहे थे, लेकिन दोनों अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर डटे रहे। 8 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 31 रन पर 1 विकेट हो चुका था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 42 रन बना लिए थे। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर क्रीज पर थे, दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ काफी संघर्ष किया, लेकिन अपना विकेट बचाए हुए थे और अर्धशतक की साझेदारी कर चुके थे। 13वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 58 रन पर 1 विकेट हो चुका था। डेविड वार्नर ने 49 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और यह उनके वनडे कैरियर का 29वां अर्धशतक था। स्टीव स्मिथ के साथ उन्होंने शानदार साझेदारी करी और ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक अच्छी स्थिति में ले गए थे। दोस्तों 17वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 86 पर 1 विकेट था। 98 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लगा, जहां डेविड वार्नर 53 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। रविन जडेजा ने उन्हें सुमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। वार्नर ने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। अब स्टीव स्मिथ के साथ मानस लाभुशेन क्रीज पर थे। 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन हो चुका था। स्टीव स्मिथ और मानस लाभुशेन क्रीज पर थे, दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वार्नर के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 20वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 107 पर 2 विकेट हो चुका था। 112 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा। स्टीव स्मिथ 60 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके व 1 छक्का लगाया। मोहम्मद शमी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। मानस लाभुशेन के साथ कैमरन गिन बल्लेबाजी कर रहे थे। 22वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 114 रन पर 3 विकेट हो चुका था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के 150 रन पूरे हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया ने 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 30 ओवर में 3 विकेट पर 151 बना लिए थे। लाभुशेन ने 40 गेंदों में 36 रन और ग्रीन 24 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे थे। भारतीय टीम को चौथी सफलता रविचंद्र अश्विन ने दिलाई। लंबे समय के बाद वनडे खेल रहे रवि अश्विन ने मैच में अपना पहला विकेट लिया। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर मानस लाभुशेन को केएल राहुल ने स्टंप कर दिया। राहुल ने विकेट के पीछे शानदार कीपिंग करी। उन्होंने लाभुशेन की थोड़ी सी गलती का फायदा उठाया और स्टंप कर दिया। 30वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए थे। कैमरन ग्रीन 15 और इंग्लिश 1 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। मैच में बारिश ने खलल डाल दिया और खेल को रोकना पड़ गया। बारिश शुरू की और खेल में ज़्यादा खलल नहीं पैदा हुआ, खेल फिर से शुरू हो चुका था। कैमरन ग्रीन और जॉस इंग्लिश क्रीज पर थे। 37वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 171 पर 4 विकेट हो चुका था। अश्विन ने अपना 10 ओवर पूरा कर लिया।
अश्विन ने 47 रन देकर एक विकेट लिए। 185 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। कैमरन गिल 52 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो चुके थे। इंग्लिश के साथ गलतफहमी के चलते वह रनआउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका था। दोनों अच्छी साझेदारी कर रहे थे। टीम का स्कोर 200 के पार ले जा चुके। अब इन दोनों की कोशिश अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने की थी। 43वें ओवर के बाद मार्कस स्टोनिस और जॉस इंग्लिश के बीच 68 की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज गति से रन बना रहे थे और टीम इंडिया के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। 148 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट गिरा। मार्कस स्टोनिस 21 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अब जॉस इंग्लिश के साथ मैथ्यू शॉर्ट क्रीज पर थे। 47वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट पर 250 रन था। 250 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 7वां विकेट गिरा। जॉस इंग्लिश 45 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए। बुमराह ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया और कमिंस क्रीज पर थे। 48वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 253 पर 7 था। 254 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 8वां विकेट गिरा। शमी ने मैथ्यू शॉर्ट को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। शॉर्ट ने 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही बना सके। 256 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 9वां विकेट गिरा। शमी ने शॉन एबट को बोल्ड कर दिया। एबट 2 रन ही बना पाए। इस मैच में यह शमी की 5वीं सफलता थी। उन्होंने अपने 10 ओवर में 5 विकेट लिए और 51 रन दिए। 49 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 263 पर 9 पहुंच चुका था। कमिंस और जंपा क्रीज पर थे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करती है 276 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया इस टीम ने भारत के सामने 277 रन का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 52 रन डेविड वार्नर ने बनाए। जॉस इंग्लिश ने 45 और स्टीव स्मिथ 41 रन का योगदान दिया। लाबुशेन ने भी 39 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। बुमराह, अश्विन और जडेजा को एक एक विकेट मिला। दोस्तों, भारत 277 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरा। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और सुमन गिल की जोड़ी पारी की शुरुआत करने आए। एक ओवर के बाद भारत का स्कोर कोई विकेट गवाए 6 रन हो चुका था। 4 ओवर के बाद भारत ने कोई विकेट गवाए 31 रन बना लिए थे। सुमन गिल 12 गेंदों में 22 रन और ऋतुराज गायकवाड़ 12 गेंदों में 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सुमन ने अपनी पारी में अब तक 3 चौके जड़ चुके थे और एक छक्का भी लगा चुके थे। वहीं ऋतुराज ने एक चौका लगाया था। गिल और ऋतुराज ने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई। भारत ने 7 ओवर में बिना कोई विकेट गुमाए 43 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को अब 43 ओवर में 234 रन की जरूरत थी। सुमन गिल 18 गेंदों में 25 रन और ऋतुराज गायकवाड़ 24 गेंदों में 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत ने 10 ओवर के बाद बिना कोई विकेट गवाए 66 रन बना लिए थे। सुमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। टेलियाई गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। भारत को अब 40 ओवर में 211 रनों की जरूरत थी। भारत ने 14 ओवर में बिना विकेट गवाए 95 रन बना लिए थे। सुमन गिल ने वनडे करियर का 9वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मैथ्यू शॉर्ट की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। ऋतुराज गायकवाड़ 47 गेंदों में 40 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत ने 16वें ओवर में बिना कोई विकेट गवाए 101 रन बना लिए थे। सुमन गिल 42 गेंदों में 57 रन और ऋतुराज गायकवाड़ 54 गेंदों में 42 रन बनाकर क्रीज पर थे। टीम इंडिया को अब 176 रनों की जरूरत थी। ऋतुराज गायकवाड़ 60 गेंदों में अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया। 18वें ओवर में भारत ने बिना कोई विकेट गवाए 120 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को अब 157 रनों की जरूरत। 20 ओवर के बाद भारत ने बिना कोई विकेट गवाए 129 रन बना लिए। 22वें ओवर में 142 की स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। ऋतुराज गायकवाड़ 77 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके लगाए। ऋतुराज को एडम जंपा ने LPW आउट कर दिया। भारत का स्कोर 22 ओवर के बाद एक विकेट पर 143 रन हो चुका था। सुमन गिल 54 गेंदों में 69 रन और श्रेयस अय्यर 1 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर थे। 24वें ओवर में 148 की स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा। श्रेयस अय्यर 8 गेंदों में 3 रन बनाकर रन आउट हो गए। 24वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 148 रन था। कप्तान KL राहुल और सुमन गिल क्रीज पर थे।
भारत को 26वें ओवर में 151 रन की स्कोर पर तीसरा झटका लगा। शुभमन गिल 63 गेंदों में 6 चौके व 2 छक्के की मदद से 74 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें एडम जंपा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। 121 रनों की जरूरत थी। ईशान किशन और कप्तान केएल राहुल क्रीज पर थे। 30 ओवर के बाद भारत ने 3 विकेट गंवाकर 178 रन बना लिए थे। केएल राहुल 12 रन और ईशान किशन 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया ने 10 रन के अंतर पर भारत के 3 विकेट गिरा दिए थे। 142 पर भारत का पहला विकेट गिरा था और 151 पर तीसरा विकेट। ऋतुराज गायकवाड़ 71 रन और शुभमन गिल 74 रन, श्रेयस अय्यर 3 रन बनाकर आउट हुए। एडम जंपा ने 2 विकेट झटक चुके थे। भारत को अब 120 गेंदों में 99 रनों की जरूरत थी। भारत को 33वें ओवर में 185 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। पैट कमिंस ने ईशान किशन को जॉस इंग्लिश के हाथों कैच आउट करा दिया। वह 26 गेंदों में 18 रन ही बना सके। भारत को अब जीत के लिए 92 रनों की जरूरत थी। कप्तान केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे। भारत ने 36 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 201 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव 10 रन और कप्तान केएल राहुल 22 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत को अब 76 रनों की जरूरत थी। भारत ने 40 ओवर के बाद 4 विकेट पर 223 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव 25 रन और केएल राहुल 29 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत को अब 60 गेंदों में 54 रनों की जरूरत थी। 44वें ओवर के बाद भारत ने 4 विकेट गंवाकर 247 रन बना लिए थे। केएल राहुल 43 रन और सूर्य कुमार यादव 35 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारत को अब 30 रनों की जरूरत थी। 47वें ओवर में 265 की स्कोर पर भारत को 5वां झटका लगा। सूर्य कुमार यादव 49 गेंदों में 50 रन बनाकर सोने बेट का शिकार हो गए। भारत को अब 18 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी। राहुल और जडेजा क्रीज पर थे। उन्होंने 49वें ओवर में शॉन एबट की गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, आपको शुभमन गिल की बल्लेबाजी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।